फ्रेंड्स, रियलमी नार्जो N65 इस फोन पर पावर बटन प्रेस करने के बाद इस प्रकार कुछ सेटिंग्स आते हैं और स्विच ऑफ ऑप्शंस नहीं आता है। अगर आपका फ़ोन पर भी सेम इशू है, आपका फ़ोन पर इस प्रकार गूगल असिस्टेंट ओपन हो जा रहा है लेकिन सेट पर कोई भी स्विच ऑफ करने का ऑप्शन शो नहीं होता है, तो कैसे आप इस फोन को स्विच ऑफ कर सकते हो? इस फोन को स्विच ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में मैं दो प्रकार दिखाऊंगा कैसे स्विच ऑफ करना होगा। फर्स्ट आपको ओपन करना होगा सेटिंग्स। सेटिंग्स पर आपको मिल जाएगा नीचे एडिशनल सेटिंग्स। एडिशनल सेटिंग्स पर पावर बटन एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पावर बटन पर प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन पर पावर मेनू को सिलेक्ट करना होगा। तो पावर मेनू सिलेक्ट करने के बाद आपको फोन पर पावर बटन प्रेस करने के बाद इस प्रकार स्विच ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप सेट को स्विच ऑफ कर सकती हो और इस पर आप सेट को रिस्टार्ट कर सकती हो। अगर आपको फोन पर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, अगर आपको फोन पर ये सेटिंग्स आपको अगर नहीं मिल रहा है, तो कैसे आप इस सेट को आप स्विच ऑफ कर सकती हो? तो इस ऑप्शन को मैं बंद कर देता हूँ। तो वॉइस असिस्टेंट पर अगर आपका फोन रहता है और आपका फोन पर ये ऑप्शन आपको नहीं मिला है, तो अगर आपको स्विच ऑफ करना है और एक तरीके में सेट को आप स्विच ऑफ कर सकती हो। वॉल्यूम अप बटन, पावर बटन को एक साथ प्रेस करना होगा, सेम टाइम प्रेस करना होगा, तो आपका फोन पर इस प्रकार स्विच ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप सेट को स्विच ऑफ कर सकती हो। अगर आप सिंगल प्रेस करती है, तो इस प्रकार आपका फोन पर गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो स्विच ऑफ करने के लिए आपको दो बटन एक साथ प्रेस करना होगा, वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करना होगा। तो इस प्रकार आप सेट को स्विच ऑफ कर सकती हैं।